फ्रेंड्स स्वागत है आपका वर्चुअल मॉर्निंग स्पोर्ट 11। फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं साउथ अफ्रीका ओडीआई में जो वॉरियर और फ्रेंड्स यहां से नाइट्स के बीच में अगला मुकाबला खेला जाएगा। तो फ्रेंड्स यहां से दोनों टीमों का क्या प्लेइंग 11 रहेगा ये आपको दिखाएंगे और फ्रेंड्स क्या परफॉर्मेंस दिया दोनों टीमों ने जितने भी मैचेस खेले हैं सारा कुछ यहां से आपको हम दिखाने वाले हैं। जो भी प्लेयर यहां से रिस्की रहने वाले हैं वो भी आपको दिखाएंगे और जो प्लेयर स्क्वाड से बाहर हुए हैं वो भी यहां से सब कुछ आपको दिखाएंगे बैटिंग ऑर्डर के साथ में परफॉर्मेंस। तो फ्रेंड्स उससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं बेल आइकन को प्रेस कर लेना, उससे हमारे यूट्यूब पर आने वाले मैचेस के जो भी वीडियोस रहेंगे वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएंगे नोटिफिकेशन में। और फ्रेंड्स शायद से मैं ये दो मैचेस आगे आने वाले मैचेस कवर ना कर पाऊं ये मैं आपको अभी से जानकारी दे रहा हूं। तो फ्रेंड्स देखते हैं क्या परफॉर्मेंस रहा दोनों टीमों का और वीडियो में छोटा ही बनाने वाला हूं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइम बहुत कम बचा है इसलिए वीडियो छोटा बनाऊंगा। यहाँ पे आप देखिए 22वां मुकाबला खेला जाएगा और यहाँ से फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग का स्कोर आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए लगभग जो पहली बैटिंग किया 10 मैच जीता है इन्होंने, सेकंड मैच किया इन्होंने 12 मैच जीते हैं जो सेकंड बैटिंग किया। तो फ्रेंड्स इसके अलावा देखिए दोनों टीमों का आप देख सकते हैं वॉरियर ने फ्रेंड्स यहाँ पे 3 मैचेस विन किए और वहीं पे 3 मैचेस लॉस किए नाइट ने। तो फ्रेंड्स स्क्वाड आप देख लें यहाँ पे दोनों टीमों का स्क्वाड दिया है वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए वारियर ने 14 मेंबर का स्क्वाड अनाउंस किया है, इसमें से फ्रेंड्स यहाँ पे कोलिंग आर्कन जो ऑलराउंडर थे ये आपको खेलते हुए नहीं देखेंगे, आप इनको अपनी टीम से रिमूव कर सकते हैं। नगोपे के चांसेस बनते हैं फ्रेंड्स यहाँ से लसीबा नगोपे आपको खेलते हुए दिख जाए तो इनको आप यहाँ पे अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, अगर खेलेंगे तो ग्रैंड लीग में आपके लिए अच्छी चॉइस हो सकते हैं क्योंकि प्लेयर अच्छे हैं। इसके अलावा देखिए बात करते हैं तो मैथ्यू क्रिकेट ये सारे प्लेयर आपको यहाँ से खेलते हुए दिखने वाले हैं। नाइट की बात करें तो फ्रेंड्स इन्होंने 13 ओवर का स्क्वाड अनाउंस किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बाद यहाँ पे देखिए जो प्लेयर यहाँ पे लगभग सारे प्लेयर यहाँ पे खेलते हुए दिखेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो प्लेयर नहीं दिखेंगे तो फ्रेंड्स मैं सीधा टाइम को ना लेते हुए यहाँ पे सीधा परफॉर्मेंस दिखा दूंगा आपको और फ्रेंड्स यहाँ से आपको रिस्की प्लेयर भी बता दूंगा। तो आप यहाँ पे देखिए मैथ्यू क्रिकेट आपको ओपनिंग करते हुए दिखने वाले हैं जो फ्रेंड्स यहाँ से 42 रन की पारी खेली और इनके पहले मैचेस का आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं, सारे रिकॉर्ड्स लिखे हैं इधर पर। क्लोटे यहाँ पे आएंगे ओपनिंग आएंगे तो फ्रेंड्स इनका आप देख सकते हैं 26 रन बनाया उन्होंने। यासिन विले को खिलाया गया था, मोहम्मद यासिन विले ने यहाँ से फ्रेंड इनकी बैटिंग नहीं आई थी और इनको मौका दिया गया था खेलने का। इसके अलावा देखिए जेजे स्मिथ आपके लिए अच्छी चॉइस हो सकते हैं और 2 विकेट निकाले इन्होंने लास्ट मैच में, आप इनका बॉलिंग प्लस बैटिंग सारा परफॉर्मेंस देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स यहाँ से नगोपे को चांसेस मिल सकता है इस मैच में क्योंकि वॉकमैन यहाँ पर नहीं खेलने वाले। इसके अलावा देखिए कोहली लास्ट मैच में आउट हो गए थे लेकिन इनके 3 मैचेस का आप लगातार परफॉर्मेंस देख सकते हैं, बहुत शानदार प्लेयर है इनको जरूर ट्राई करिएगा। इसके अलावा मार्क मोरस आपको खेलते हुए दिख जाएंगे तो इनका परफॉर्मेंस देख सकते हैं, लास्ट मैच में इन्होंने 6 रन बनाए। इसके अलावा देखिए यहाँ पर जोंकर नहीं है और यहाँ पर नईकुर नहीं है तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सुशिंडा मंगला एंड्रू बीच इनका परफॉर्मेंस देख सकते हैं बॉलिंग प्लस बैटिंग से, बीच और मंगला थोड़ी सी बैटिंग भी कर लेते हैं तो परफॉर्मेंस अच्छा रहता है इनका, इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पे आप इन दो प्लेयर का परफॉर्मेंस देख सकते हैं बॉलिंग से। इसके अलावा देखिए नोर्जे नहीं है, यहाँ पे लुसु सिंपला का विकेट से परफॉर्मेंस देख सकते हैं, बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिया इन्होंने अपनी बॉलिंग से तो आप इनको अपनी टीम में जरूर ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा देखिए यहाँ से क्लेटन को मौका दिया गया था जिन्होंने फ्रेंड्स सेकंड मैच में फिर से यहाँ से 2 विकेट निकाले, तो फ्रेंड्स बहुत अच्छे प्लेयर हैं आप इनको ट्राई कर सकते हो। बाकी फ्रेंड्स यहाँ पे नाइट्स की बात करते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए बैटिंग ऑर्डर के साथ में सब कुछ लिखा हूँ तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, बाकी आपको प्लेइंग 11 पता चली जाएगी टॉस होने के बाद में, तो आपका प्लेयर तो मैच वैसे भी नहीं होगा लेकिन आपको फ्रेंड्स परफॉर्मेंस यहाँ पे इसलिए दिखा दिया कि भाई आप इजिली अपनी टीम में पिक कर सके जिस प्लेयर का फॉर्म चल रहा है। यहाँ पे देखिए ग्रैंड मकोना ओपनिंग आए थे फ्रेंड्स यहाँ पे कोई खास परफॉर्मेंस, लास्ट मैच इनका एवेंडेड हो चुका था फ्रेंड्स, उसके पहले इनके 2 मैचेस एवेंडेड हो चुके थे, जितने मैचेस इन्होंने खेले हैं वो सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे लिखे हैं। तो मकोना का आप यहाँ पे देख सकते हैं गोइस बहुत अच्छे प्लेयर हैं, विकेट कीपर मिलेंगे आपको, पहले बैट्समैन में थे अच्छे प्लेयर हैं इनको आप ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा कीगन पैटर्सन दो प्लेयर आपने बिल्कुल अपनी टीम में पिक करना है स्मॉलिंग में खासकर, और इसके अलावा रियान मेगन को आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बॉलिंग भी करा रहे हैं लेकिन बैटिंग अच्छी कर लेते हैं तो फ्रेंड्स इनको आप ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास पेट्रस बिल्जोन का ऑप्शन, इनको आप ट्राई कर सकते हैं, पेट्रो क्रुंगर आपको खेलते दिख जाएंगे तो फ्रेंड्स परफॉर्मेंस आप यहाँ पे देखते जाएगा। बाकी लास्ट मैच में रूडी सेकंड खेले थे 74 रन लगाए थे तो ये आपके लिए अच्छी चॉइस हो सकते हैं, आप इनको अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स यहाँ से पेट्रिक बोथा के चांसेस बनते हैं थोड़े से यहाँ पे खेलने के, तो फ्रेंड्स इनको आप चाहे तो अगर खेलेंगे तो इनको ट्राई कर सकते हो, प्लेयर अच्छे हैं और आपके लिए परफॉर्मेंस कर सकते हैं, ग्रैंड लीग में आपके लिए एक टीम में होना चाहिए अगर खेलते हैं तो। बाकी आप 6 टीम लगा तो ट्राई कर सकते हो। बाकी जे सैंडमैन है तो फ्रेंड्स इनको नहीं खिलाया गया था। इसके अलावा देखिए यहां से ये प्लेयर नहीं खेलने वाला, जो फ्रेंड्स यहां पे दिया ये प्लेयर नहीं खेलने वाला तो फ्रेंड्स इनको आपने टीम से बिल्कुल रिमूव नहीं करना, ये बाहर हो चुके थे, इनकी जगह फ्रेंड्स यहाँ पैट्रिक बोथा के चांसेस बनते हैं। बाकी फ्रेंड्स यहाँ पर टीम मैनेजमेंट के ऊपर आएगा किसको खिलाना नहीं खिलाना, बाकी मर्चेंट लीड इंपॉर्टेंट चॉइस हो जाती है आपके लिए जिन्होंने लगातार कंस्टेंटली विकेट निकाल के दिए हमको, तो इनको अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। आपने वडोजा को ट्राई करना तो आप यहाँ से वुडेज को ट्राई कर सकते हो जो कि आपको अच्छा परफॉर्मेंस करके दे सकते हैं। इसके अलावा देखिए नटोली तो फ्रेंड्स इनके रिप्लेसमेंट भी हो सकता है, ये थोड़े से रिस्की रहने वाले प्लेयर हैं, आप इनका परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं। और इसके अलावा
आपके यहाँ से ब्रैडमैन खेलते हुए दिख जाएंगे, लास्ट में जो खिलाया गया था। तो फ्रेंड्स ये प्लेयर मेरे हिसाब से आपके लिए खेलने वाले हैं, बाकी एडली को आप कंफर्म खेलते हुए मान सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से ये आपकी चॉइस रहनी चाहिए इनमें से। आप यहाँ से परफॉर्मेंस देख लीजिए, टाइम बहुत कम है इसलिए मैं फ्रेंड्स यहाँ से ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो फ्रेंड्स इसके अलावा आप माई टीम इलेवन पर खेलना चाहते हैं, 100 रुपये आपको खेलने के लिए मिल जाएंगे कैश बोनस के रूप में, बस आपने पूरा वेरीफिकेशन करना है। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आपने दोनों दो टाइप से यहाँ पे खेल सकते हैं, मतलब आप जो से पहले खेलते थे यहाँ से ड्रीम इलेवन वैसे भी खेल सकते हैं, और आप आफ्टर टॉस के बाद भी खेल सकते हैं, मतलब यहाँ पे आप एडिट भी कर सकते हैं अपनी टीम को, आपने नहीं करना तो आप उसमें भी खेल सकते हैं। दोनों टाइप से आप यहाँ पे खेल सकते हैं, आप बिल्कुल खेलेगा, यहाँ पे बहुत अच्छी लीग खेलती है फ्रेंड्स। यहाँ पे माई टीम इलेवन पर आप साइन अप कर सकते हैं, और इसके अलावा देखिए रेफर कोड हमारा दिया है, आप यहाँ पर साइन अप कर लेना। इसके अलावा आपने खेलना चालू नहीं किया तो लीग एक्स पर जरूर खेलेगा, यहाँ पर आप 2 विकेटकीपर, 4 ऑलराउंडर और 7 बैट्समैन मैक्सिमम और 7 बॉलर मैक्सिमम भी यहाँ पर ले सकते हैं, तो आप बिल्कुल खेलिएगा। और खेलने के लिए 25 रुपये फ्री में मिल जाएगा, और कैश बोनस लीग एक्स तरफ से 200 रुपये तक मिलता रहता है, तो फ्रेंड्स आप जरूर खेलिएगा। और इसके अलावा देखिए आपने यदि डाउनलोड नहीं किया हाला प्ले, तो हाला प्ले भाई आपको खेलना बनता है, क्योंकि हाला प्ले इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको सबसे पहले खिलाड़ी दिखा दिए जाते हैं कि भाई ये प्लेयर खेल रहे हैं, दोनों टीमों के आपने उसे खिलाड़ी ले लीजिए, अपने प्लेयर पिक कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए 100 रुपये आपको खेलने के लिए मिल जाएगा, आप उनको ट्राई कर सकते हैं। और कैश बोनस आप 100% यूज़ कर सकते हो, कैश बोनस के थ्रू अच्छा अमाउंट विन करके फ्रेंड्स आप अपने बैंक में विड्रॉ करवा सकते हो। इसके अलावा देखिए आपके पास यहाँ से जो रेफर कोड दिया है फ्रेंड्स, इसको आप यूज़ करते हो बल्लेबाजी.com में, आपको साइनअप कर दिए 50 रुपये कैश बोनस मिल जाएगा। और यहाँ से बैटिंग और बॉलिंग फ्रेंडली ये फ्रेंड्स अलग से बनती है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप अलग अलग उस पर खेल सकते हैं, तो बिल्कुल यहाँ से अच्छा अमाउंट विन कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर जरूर खेलेगा। डिस्क्रिप्शन में सारे साइटों का लिंक और रेफर कोड मिल जाएगा, तो आप यहाँ से साइनअप भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं विकेट कीपिंग में आपके पास ऑप्शन है, आपको रूडी सेकंड खेलते हुए दिख जाएंगे, गॉस खेलते हुए दिख जाएंगे, कोसले खेलते हुए दिखते हैं। तो फ्रेंड्स इनमें से आपने जिसको ट्राई करना आप कर सकते हैं। रूडी सेकंड मैंने आपको बताया है, यहाँ से आके इन्होंने 74 रन लगाए थे, वापस आए थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए गॉस कंटिन्यू अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ओपनिंग आ रहे हैं। फ्रेंड्स यहाँ से कोसले लगभग 5 नंबर पर आपको खेलते हुए दिख जाएंगे, आप इनको ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लगभग इन्होंने सेंचुरी और 2-3 50 भी यहाँ पर लगा चुके थे, इनको आप ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल आपके लिए स्मॉल लीग में अच्छे चॉइस रहने वाले हैं। बाकी आपने रूडी सेकंड को रेड लीग में गाउस को ट्राई करना तो आप इनको ट्राई कर सकते हो। बाकी देखिए आपने गाउस को लेना तो इनको अपनी टीम में ले लीजिए, ये भी ओपनिंग आएंगे और अच्छे प्लेयर हैं। इसके अलावा बात करते हैं फ्रेंड्स आपके पास क्लोटे का ऑप्शन है, आप केप पीटरसन को ले सकते हैं, इनको आपने बिल्कुल अपनी टीम से रूम करना नहीं है। मार्क मोरस को आपने ट्राई करना तो आप कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स आपके पास यहाँ से यासिन विले का ऑप्शन है, आप इनको ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रिकेटी आपको ओपनिंग करते हुए दिख जाएंगे तो आप इनको अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा देखिए नपोके हाई चांसेस से खेलेंगे तो आपके लिए अच्छी चॉइस हो सकती है, आप इनको अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। बाकी पीटर बिल जोन आपको खेलते दिख जाएंगे तो आप इनको अपनी टीम में ले सकते हो। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर और कोई इंपॉर्टेंट ऑप्शन है नहीं मुझे जो फ्रेंड्स यहाँ पर दिखाई थी। बाकी मकोना को आपने ट्राई करना तो कर लीजिए, आपको ओपनिंग करते हुए दिख जाएंगे नाइट की तरफ से। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए बात करते हैं ऑल आउट सेक्शन की, तो यहाँ से स्मूथ्स है, आर्कमैन को आपने लिया तो अपनी टीम से रिमूव कर सकते हैं, ये आज का मैच नहीं खेलने वाले मेरे हिसाब से फ्रेंड्स, जो भी मैंने अब तक न्यूज कलेक्ट कर पाया हूँ। बाकी रियान आपके लिए अच्छी चॉइस हो सकते हैं, और आपने लेना है तो फ्रेंड्स यहाँ से देखिए और कोई प्लेयर मुझे अच्छा लगता नहीं है। बाकी देखिए यहाँ से पेट्रो क्रिंगर आपको खेलते दिख जाएंगे, और चेस एंडमॉन के बहुत कम चांस यहाँ पे खेलते हुए दिखें, तो आपने मेरे हिसाब से स्मॉल लीग में दूर रहना। बाकी ट्राई करना तो आप यहाँ पे ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं, जो प्लेयर यहाँ पे आपको खेलते हुए दिख जाए। तो फ्रेंड्स इसके अलावा देखिए बात करते हैं आप बॉलिंग की, तो बॉलिंग में आपके पास एंड्रू ब्रिज का अच्छा ऑप्शन है, अच्छा प्लेयर है और अच्छा परफॉर्मेंस करके आपको दे सकता है बैटिंग के साथ भी। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आपके पास मर्चेंट रिलीज इंपॉर्टेंट ऑप्शन हो जाते हैं। शागुन मैन यहाँ पे मेरे हिसाब से नहीं खेलेंगे आज के मैच, इनको आपने बिल्कुल अपनी टीम ट्राई नहीं करना। नोर्जी यहाँ पे नहीं तो नोर्जी को अपनी टीम में ट्राई नहीं करना। इसके अलावा देखिए यहाँ से बात करते हैं तो हाई चांसेस है आपके लिए ग्रैंड लीग विन कराने वाले प्लेयर फ्रेंड्स ये हो सकता है वाटलर, इनको मौका मिल सकता है। वॉरियर की तरफ से आज के मैच में खेलते हैं तो आप एक टीम में इनको ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छे प्लेयर हैं और आपको अच्छा परफॉर्मेंस करके देख सकते हैं और बैक आए हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। इसके अलावा देखिए श्रेणा मंगला और सिंपला दोनों अच्छे प्लेयर हैं, आप इनको अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। बाकी आपने 5 बॉलर लेना तो फ्रेंड्स देखिए 9 के डेटाबल वाले आप यहाँ से एड ली को ट्राई कर सकते हैं, ये आपके लिए अच्छी चॉइस हो सकती है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपने यहाँ से वडुजा को लेना तो आप इनसे वुडज को ट्राई कर सकते हैं, ये भी मेरे हिसाब से, और ब्रैडमैन भी आपको खेलते हुए दिख जाएंगे तो आप इनको अपनी टीम में ले सकते हैं, ये प्लेयर अच्छे हैं और आपके लिए अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स मेरे हिसाब से यहाँ पे देखिए आपके पास एक ऑप्शन और है, आप यहाँ पे बॉलिंग बैटर्स में से आगे एक बैटर्स को अपनी टीम मार्को मॉरिस को ट्राई कर सकते हैं, या आपने ले तो यासिन बिल को अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं, आपकी चॉइस रहेगी आपने यहाँ से किसको ट्राई करना है। बाकी फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन आपके पास काफी है, ओपनिंग आएंगे मकोना तो आप इनको ट्राई कर सकते हो, पेटर्स बिलजोन है अच्छे प्लेयर तो आप इनको अपनी टीम में ले सकते हो, तो काफी आपके पास ऑप्शन है। और यदि नपोगे खेलेंगे तो नगोबे को अपनी टीम में ले सकते हैं। इसके अलावा आपने यहाँ से चेंजेस करना है तो बिल्कुल यहाँ पे चेंजेस कर लीजिए, आप यहाँ से कैसिले को अपनी टीम में ले सकते हैं, उस केस में फ्रेंड्स आपके पास 9.5 क्रेडिट बचेगा। तो फ्रेंड्स उसमें से भी आपने यहाँ पे जो प्लेयर अपनी टीम में ट्राई करना, देखिए फ्रेंड्स यहाँ से ऑप्शन काफी है क्योंकि 7 प्लेयर आपके पास वॉरियर के हो गए तो आप यहाँ से पेटर्स बिलजोन को अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, तो फ्रेंड्स आपकी ये टीम रह सकती है।
अपने खेला टीम के साथ बिल्कुल खेल सकते हैं। नहीं तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे चेंजेस करिए, आपने यहाँ पे लेना गाउस को तो गाउस को अपने टीम में लीजिए, ओपनिंग करने के लिए आएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे अपना बॉलिंग सेक्शन में से जो भी यहाँ पे चेंजेस अपने मन से लगता है आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे देख सकते हैं आप वॉरियर के दो प्लेयर लिए हैं और फ्रेंड्स यहाँ पे तीन प्लेयर वॉरियर के होगा और एक प्लेयर है यहाँ से नाइट्स की तरफ से। तो फ्रेंड्स आपने यदि जिस प्लेयर को लगता है जो प्लेयर कम परफॉर्मेंस दे सकते हैं तो आप उसको अपनी टीम से रिमूव करके और दूसरे प्लेयर को अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। यदि फ्रेंड्स आपने यहाँ से विल्चर को नहीं लेना, आपको लगता है परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे, तो आप यहाँ से आ गए इजिली अपनी टीम में एडली को ट्राई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आपकी ये टीम रह सकती है, आप बिल्कुल इस टीम के साथ खेल सकते हो। अब देखिए कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो फ्रेंड्स आपके पास इंपॉर्टेंट ऑप्शन में रिजाद रियान मेकरन है, जेजे स्मूथ से अच्छे प्लेयर हैं, आप इनको बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा के पैटरसन और गर्ल्स का ऑप्शन है, गर्ल्स ओपनिंग आएंगे और अच्छी पारी खेल के आपको दे सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स यहाँ से खिलौटे हैं तो मेरे हिसाब से आप ऑलराउंडर में से किसी को इसको कैप्टन रख सकते हैं, आपने थोड़ा सा डिफेंड करना है। बाकी आप यहाँ से देखिए इन दोनों में से ट्राई करके डिफेंस करना है तो बाकी आप इनके साथ जा सकते हैं, रियान मेकरन और के पैटरसन और जेजे स्मूथ और पैटरसन या फिर रियान मेकरन। मेरे हिसाब से स्मॉल लीग आपके लिए बेहतरीन रहने वाली है, इस टीम के साथ में आप खेल सकते हैं। बाकी आपने चेंजेस करना अपनी मर्जी से बिल्कुल चेंजेस कर सकते हैं, बस वीडियो को एक बार ज्यादा ज्यादा लाइक करते जाना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हमारे यूट्यूब पर आने वाले मैचेस के जो भी वीडियोस रहेंगे वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएंगे, नोटिफिकेशन। फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।